देखे टू फैच साइन फाइव एक्स माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू टेन एक्स. हाँ जी हो गया. हाँ जी, न्यूमरेटर में सीधी फॉर्मूला कौन सी दो टर्म्स में अप्लाई करेंगे? साइन फाइव एक्स और साइन एक्स में हम सीधी फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ से एक एंगल थ्री एक्स मिलेगा जो यहाँ भी पड़ा है, और डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस सी लगाएंगे. देखिए जरा, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई minus 2 sin 3x and in the denominator I have cos 5x minus cos 6. Numerator mein se 2 sin 3x common liya, cos 2x minus 1. Or denominator mein cos c minus cos t. What is the formula of cos c minus cos t? Minus 2 sin a plus b by 2 ये साइन थ्री एक्स और ये टू तो कैंसिल हो गया. इस नेगेटिव को हटाने के लिए मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स. 1 माइनस कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हो? टू साइन स्क्वायर एक्स. और साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं? टू साइन एक्स कॉस एक्स. टू कैंसल एक साइन कैंसल साइन बाय कॉस. नेक्स्ट लिखो, साइन ए इज गिवन टू बी 3 by 5, angle A is lying between 0 and 90, you have to find the value of sin 2A, cos 2A and tan 2A.
value of sine A is given. A is lying between 0 and 90. Find the values of sine 2A, cos 2A and tan 2A. यहाँ पर एंगल ए यहाँ पर 2A, 2A के फॉर्मूलाज को आप A में कन्वर्ट तो कर सकते हो सारों को ही. साइन 2A का फॉर्मूला 2 साइन A कॉस A. कॉस 2A के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो उनसे मर्जी यूज कर लो. और टैन 2A का फॉर्मूला है मेरे पास 2 टैन A अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर A. इसका मतलब ये तीनों निकालने के लिए मुझे साइन ए कॉस ए टैन ए तीनों की जरूरत रहेगी. क्या अगर साइन ए मालूम है मैं कॉस ए और टैन ए निकाल सकती हूं? निकालो. एक रेशो आपको मालूम है, इसकी हेल्प से आप बाकी सारे निकाल सकते हो. कॉस टैन एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट. निकालो वैल्यूज, डालो यहां पर और देखो जरा क्या आंसर बन रहा है. चीटी ने कैसे लगा रहे हो? साइन ए 3/5 है तो कॉस ए क्या हो जाएगा? 4/5. और टैन ए क्या हो जाएगा? 3/4. वैल्यूज डालो फिर. 2 साइन ए इज 3/5, कॉस ए इज 4/5. 24/25 इज द वैल्यू ऑफ साइन 2. कॉस 2A के लिए क्या जाएगा? 2 कॉस की वैल्यू है 4/5. 16/25 - 1. 32 - 25/25, 7/25. जब लिखा जाता है तो बोला करो ना बच्चों. और tan 2A की वैल्यू क्या आ रही है? 2 tan ये तुम्हारा आ रहा है 3/4, 1 - 9/16. 3/2, 7 and 16, 8. 24/7. ठीक है जी. नेक्स्ट एक फॉर्मूला करने जा रहे हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला आपने याद रखना है. कैसे आया मैं उसका बता देती हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला. कॉस ए कॉस 2A कॉस 2 स्क्वायर A कॉस 2 क्यूब A टिल कॉस 2 power n-1a. This is equal to sine of 2 power na upon 2 power n into sine a. This formula is very important. यहां सबसे पहले आपने क्या देखना है? एंगल्स जो है यहां a, ये 2a, ये 4a, ये 8a, 2 की पावर्स में चल रहे हैं. लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर चेक करने वाला, दैट इज हियर आई हैव 2 power n-1.
लास्ट पावर जो भी होगी उसको n माइनस वन से कंपैरिजन करोगे और यहां पर पावर्स में n है. लेट अस सी हाउ वी रीच्ड एट दिस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैं क्या करूं, मैं 1 अपॉन 2 साइन a से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं. एक एक स्टेप देखने जाना. प्रूफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. It is just to make you understand I'm doing it. Formula you have to remember. Now, what is 2 sin a cos a? Sin 2 a. 1 upon 2 sin a. Ye hua aapka sin 2 a, cos 2 a, cos 2 square a, cos 2 cube a, till cos 2 power n minus 1. अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक बार और इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो अब ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा. टू साइन 2 ए कॉस 2 ए किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन 4 ए का. तो 2 स्क्वायर साइन ए साइन 4 ए कॉस 2 स्क्वायर ए 2 क्यूब a 2 पावर n माइनस 1. इसी तरह से आप यहां 2 से डिवाइड करते जाओ. ये साइन 4 a ये कॉस 4 a 2 स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली कॉस 8 a बन जाएगा. ठीक है जी. और इसी तरीके से अब यहां देखिए, यहां पावर 1 थी, यहां 2 है, नेक्स्ट में 2 क्यूब हो जाएगी, तो अल्टीमेटली पावर डिनोमिनेटर में 2 पावर n. साइन ए हमारे पास पड़ा है और जब आप फर्स्ट स्टेप पर थे, जब 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर फॉर्मूला बना साइन 2 ए का. जब 2 स्क्वायर हुआ तो फॉर्मूला बना साइन 4 ए का. मतलब 2 स्क्वायर यहां है तो यहां भी 2 स्क्वायर. अगले टर्म में जाऊंगी तो यहां 2 क्यूब होगा तो यहां भी साइन 8 ए बनेगा. इसका मतलब यहां 2 पावर एन है तो यहां भी साइन 2 पावर एन ए मेरे पास आ जाए. That's it, okay? Yes, ma'am. Simply हम 2 sin a से, first time हमने 2 sin a से multiply divide किया, उसके बाद 2 से divide करते चले गए. यहाँ पर 2 की power एक एक increment हो रही है और जितनी यहाँ power बन रही है उतनी ही 2 की power वाला angle मेरे पास यहाँ पर create होते जा रहा है. 2 square हुआ, फिर 2 cube हुआ तो 8 आएगा, 2 power 4 हुआ तो sin 16 आएगा. तो उससे मैंने generalize कर दिया, 1 upon 2 power n sin 2 power n a upon sin a. Now you have to see how to apply this formula, that is more important. Write down, if I have to prove cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7, prove this is equal to 1 by 8. मैं अपने फॉर्मूले के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो ये a, ये 2a, ये 2 स्क्वायर a. ठीक है जी. मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है. फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक n और दूसरा a. ये दो चीजें आइडेंटिफाई मैं कर लूं तो फॉर्मूले में डालूंगी, आंसर निकाल सकते हैं. नाउ टेल मी, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो इसका गिवन रिजल्ट से, तो a की वैल्यू क्या है? व्हाट इज एंगल a? पाई बाय 7. पाई बाय 7 मैंने कंपेयर करना है cos a cos 2 a cos 2 स्क्वायर a टिल cos 2 पावर n माइनस 1 a. अगर मैं देखती हूं तो a की वैल्यू तो है पाई बाय 7. व्हाट अबाउट n? n कहां से आना है? अगर आप ध्यान दें, जो लास्ट एंगल है दैट इज 2 पावर n माइनस 1. यहां पर लास्ट एंगल में 2 की पावर कितनी है? 2. सो कैन आई से 2 पावर n माइनस 1 इज 2 स्क्वायर? इस बात को ध्यान से समझना. जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ये इसके लिए एप्लीकेबल. इसमें दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, एन और ए. अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करती हूं तो ए तो मुझे सीधे सीधे पता चल रहा है क्या है, पाई बाय 7.
आई हैव टू फाइंड आउट एन. एन निकालने के लिए जो इसकी लास्ट टर्म है और जो इसकी लास्ट टर्म है उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा. इस लास्ट टर्म में 2 की पावर है एन माइनस 1 और यहां लास्ट टर्म में है 2 का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर कैन आई से एन माइनस 1 इज 2 एंड एन इज 3. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो मेरी दोनों चीजें आइडेंटिफाई हो गई, ए भी और एन भी. अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. a पाई बाय 7 और n आया 3. लेट मी पुट द वैल्यू. साइन 2 क्यूब पाई बाय 7, 2 क्यूब साइन पाई बाय 7, साइन 8 पाई बाय 7, 8 टाइम्स साइन पाई बाय 7. अब बताइए हाउ टू सॉल्व इट फर्दर. इसको आई एम सॉरी, यू हैव टू प्रूव इट. माइनस 1 बाई 8, सॉरी माई मिस्टेक, माइनस 1 बाई 8. बिल्कुल ठीक है. साइन 8 पाई बाय 7 को लिख लो पाई प्लस पाई बाय 7. साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. So my answer is minus 1 by 8. ध्यान से देख लो, समझ लो, कहीं दिक्कत है तो पूछो. नोट हो जाए तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और सोच के करना, जरा इसमें एक छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व है. cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15 एंड cos 14 पाई बाय 15. प्रूव दिस इज इक्वल टू 1/16. cos 2 pi by 15, 4 pi by 15, 8 pi by 15 and then 14 pi by 15. अब ये मत कहना कि ये गलत है, ये ठीक है. ये 14 pi by 15 ही है. सोचो जरा, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, डालो थोड़ा सा जोर अपनी बुद्धि पर. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और कंपैरिजन करने पे जाएं, तो मेरे पास था cos a, cos 2 a, cos 2 square a. अगर ये मैं 2a ले रही हूं, ये 2 square है, ये 2 cube है, तो cos a तो आया नहीं कहीं पर. इसको और कैसे लिख सकते हो, सोचो सर. क्या मैं cos 14 पाई बाय 15 को cos पाई माइनस पाई बाय 15 लिख सकती हूं?
what is cos 180 minus theta? Minus cos theta. इसका मतलब ये जो मेरी लास्ट टर्म है cos 14 pi by 15, this can be written as minus cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 8 pi by 15. Can I write it like this? और अब इसको आप अपने इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो. ये cos a, 2a, 2 square a, 2 cube a. Now identify your a and n, apply the formula and see, do you get your answer as 1 by 16 or not? बताओ जरा a क्या है और n क्या है. n की वैल्यू निकालते हुए बड़े ध्यान से काम करना. लास्ट टर्म जो है वो 2 पावर n माइनस 1 से कंपेयर होनी है. जल्दी से बोलो a क्या है और n क्या है. और n 4. बिल्कुल ठीक है. a तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है पाई बाय 15. n के लिए इस लास्ट टर्म को ऑब्जर्व करना है. लास्ट टर्म 8 विच इज 2 पावर n माइनस 1 एज पर माय स्टैंडर्ड फॉर्मूला. n माइनस 1 3, सो n इज 4. अब फॉर्मूले में डालते हैं साइन 2 पावर 4 का मतलब 16 पाई बाय 15. 16 साइन पाई बाय 15 और एक ये नेगेटिव साइन जो यहां से कन्वर्जन से आया था वो साथ में बढ़ाया गया. ये नेगेटिव साइन ऐसा सच पड़ा. फॉर्मूला तो यहां से हमने स्टार्ट किया है. नेगेटिव विल बी देयर. नाउ साइन 16 पाई बाय 15 को आई कैन राइट साइन पाई प्लस पाई बाय 15. डिनोमिनेटर इज 16 साइन पाई बाय 15 नेगेटिव साइन. साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो साइन पाई बाय 15 16 टाइम्स साइन पाई बाय 15 आंसर इज 1 अपॉन 16. हां जी, इज इट ओके? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है. साइन पाई बाय 18, साइन 5 पाई बाय 18 एंड साइन 7 पाई बाय 18. यू हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 1 बाय 8. अब इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत वाला काम है, फॉर्मूला मैंने कॉस के लिए पढ़ा, यहां पर साइन के लिए हो रहा है और एंगल्स भी आज सच जो चाहिए वो नहीं है. तो सबसे पहले तो मुझे बताओ साइन की टर्म को कॉस की टर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हो? हाँ हाँ बोलो बोलो. पाई पाई बाय टू माइनस थीटा. हमें मालूम है साइन थीटा इज सेम एज कॉस 90 माइनस थीटा. आई कैन राइट दिस एज कॉस पाई बाय टू माइनस पाई बाय 18. कॉस पाई बाय टू माइनस 5 पाई बाय 18 एंड कॉस पाई बाय टू माइनस 7 पाई बाय 18. अभी एंगल्स क्या क्या बन रहे हैं उन्हें कैलकुलेट करो और देखो जरा क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकेगा. चलो शाबाश जल्दी से करो.
हाँ जी बच्चों, मिला कुछ? यस मैम। व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18? फोर पाई बाय नाइन। यहाँ से क्या मिल रहा है? 2 पाई बाय नाइन। And this will give you cos pi by 9. अब फॉर्मूला लगा लो अपना. a बताओ क्या है और n बताओ क्या है. a pi by 9 n. n 3. लास्ट टर्म यहां पर 4 का मतलब 2 स्क्वायर का कंपैरिजन 2 पावर n माइनस 1 से. n माइनस 1 2, सो n इज 3. यहाँ पे वैल्यूज डालो और आंसर देखो, बन गया 1/8 कि नहीं? सबका आ गया कि नहीं आया? बोल दिया करो कुछ बच्चों. बॉयज समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ ना, कोई जवाब तो दे दो. जिसको समझ में नहीं आया जल्दी से बोलो. ना हाँ में बोलोगे ना ना में बोलोगे तो मैं क्या समझूं? एंड दिस बॉय सिटिंग इन द फर्स्ट रो. बेटा समझ में आया क्या किया हमने? Yes. तो हाँ बोलती क्यों नहीं फिर? और नहीं आया तो ना बोलो, बीच में अटक के रह जाते हो बच्चों. ना इधर जाते हो ना उधर जाते हो. लिखो जी अगला क्वेश्चन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रूव दैट टैन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 टैन थीटा इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन 4 थीटा. जल्दी से करो. फोर थीटा से क्या सीधा थीटा में जा सकते हो? No, नहीं जा सकते. तो पहले 4 थीटा से 2 थीटा में जाओ, फिर 2 थीटा से थीटा में आओ. लगाओ हाफ एंगल फॉर्मूला. हाँ जी, tan 4 थीटा में जब हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया तो ये क्या बनेगा? 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा. एंगल का आधा करना है, यहां 4 थीटा तो यहां 2 थीटा हो गया. लेकिन मुझे आंसर में 2 थीटा नहीं चाहिए, मुझे तो थीटा चाहिए. तो अब यहां और यहां दोनों जगह tan 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं.
tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta whole upon 2 tan theta 1 minus tan square theta whole square. अब एलसीएम लो, ओपन करो इसको और देखो जरा क्या आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, ये a बाय b होल स्क्वायर को a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिख लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. यहां 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, यहां 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, एक कट जाएगा. अब ये टर्म 4 टेन थीटा के साथ न्यूमरेटर में चली जाएगी. सो आई विल हैव, आई एम राइटिंग इट हियर, न्यूमरेटर में पड़ा था 4 tan theta और इसके साथ गया 1 minus tan square theta. डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या पड़ा है, 1 minus tan square theta का square, 1 plus tan 4 theta minus 2 tan square theta. इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा, 4 tan square theta. माइनस साइन बाहर पड़ा है, माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा. 4 टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं तो 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा. हां जी बच्चों, कहीं पर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए. बोलना कुछ नहीं है हमने, ना 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 हाँ. चलो जी, अच्छा जरा मुझे बताना, अगर मैं आपको बोलूं साइन पाई बाय 8 की वैल्यू निकालो, पहले तो बताओ पाई बाय 8 कितना एंगल हुआ. पाई बाय 4 कितना एंगल है, 45. सो पाई बाय 8 कितना हो जाएगा, 45 का आधा 22.5. चलो तुमने वैल्यू बतानी है साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री एंड टैन 22.5. एक हिंट में ऑलरेडी दे चुकी हूं, ये एंगल पाई बाय 4 का हाफ है. एंगल्स को हाफ करने के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं हम, हाफ एंगल फॉर्मूलास. देखो कौन सा फॉर्मूला बेस्ट एप्लीकेबल है ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए और ये निकालने के लिए. ये दोनों निकल जाए तो टैन तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा. अब अगर आप साइन के लिए साइन वाले एंगल पे जाओगे, साइन वाले फॉर्मूले पे जाओगे तो एक दिक्कत है. अगर मैं a को 45 लूं तो ये साइन 45 की वैल्यू मालूम है ना, तो साइन 22.5 मालूम है ना कॉस 22.5 मालूम है, तो इस फॉर्मूले से तुम इस पे नहीं जा सकते.
So which formula do you think I should apply here? क्या cos 2a और sin a में कोई रिलेशन पढ़ा था हमने? Is there any relation between cos 2a and sin a? ऐसा कुछ पढ़ा? Cos 2a और cos a का कोई रिलेशन पढ़ा? Yes. बोलो जी. Cos 2a और sin a का क्या रिलेशन था? Cos 2a is 1 minus sin square. 1 minus 2 sin square. अब अगर मैं यहां पर a को pi by 4 ले लूं, a को pi by 8, मुझे sin pi by 8 की वैल्यू चाहिए. I take a as pi by 8. देखो सरा ये क्या हो जाएगा. Cos pi by 4, 1 minus 2 sin square pi by 8. Can I write it like this? Yes, ma'am. Cos pi by 4 की value तुम्हें मालूम है? क्या यहां से sin square pi by 8 की value बता पाओगे? I mean sin pi by 8 की value बता पाओगे? 2 sin square pi by 8 is 1 minus 1 upon root 2. Root 2 minus 1 upon root 2 is 2 sin square pi by 8. I can write sin square pi by 8 as root 2 minus 1 upon 2 root 2. Or chahiye kya mujhe? I want sin pi by 8. That will be square root of root 2 minus 1 upon 2. दोबारा देखो ध्यान से. हमने फॉर्मूला पढ़ा cos 2a और sin a के रिलेशन का. दिस इज वन फॉर्मूला वी नो. नाउ इफ आई वांट टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, मुझे वैल्यू चाहिए 22.5 डिग्री की. अगर मैं यहां a को 22.5 डालती हूं तो ये एंगल pi by 4 जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, ये वैल्यू डाली फॉर्मूले में, मैनिपुलेशंस शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इधर से उधर उधर से इधर करके हमने वाले आप इसको फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो. अगर मैं कहूं, कर ही चुके हैं वैसे तो हम ये कितनी बार, साइन ए इज वन माइनस कॉस टू ए बाय टू अंडर रूट. कैन आई राइट इट लाइक दिस? और cos a के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा यहां से बताना सर. 1 + cos 2a. तो cos 22.5 के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस मैम. cos 22.5 डिग्री विल बिकम 1 + cos 45/2. cos 45 की वैल्यू डाल दो. बस आंसर मिल जाए. रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू होल अंडर रूट. बच्चों को चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भले ही बताओ. फॉर्मूले जब तक आप मैनिपुलेट करना नहीं सीखेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है. नोट करो इसको, दोनों पार्ट. और tan 22.5 की वैल्यू बता दो क्या आएगी.
हाँ जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैन 22.5? कॉस 22.5 आपके पास आ जाएगा, ये 1/√2, सो दिस इज √2 प्लस 1 अपॉन 2√2 होल अंडर रूट. ये आपके पास साइन 22.5 की वैल्यू, ये आपके पास कॉस 22.5 की वैल्यू. यहां तक नोट कर लिया सबने? अब मुझे चाहिए tan 22.5. tan 22.5 इज सेम एज sin 22.5 अपॉन cos 22.5 अंडर रूट ऑफ √2 -1 अपॉन 2√2 अंडर रूट ऑफ √2 +1 अपॉन 2√2. डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम, सो आई एम गेटिंग अंडर रूट 2 -1 अपॉन √2 +1 होल अंडर रूट. क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है? करो इसे रैशनलाइज और मुझे फाइनल वैल्यू बताओ, और वो वैल्यू याद भी रखनी है क्योंकि tan 22.5 की वैल्यू कई बार हमारे पास यूज हो जाती है. करो इस टर्म को रैशनलाइज और मुझे बताओ फाइनली क्या आंसर बन रहा है. हाँ जी, क्या वैल्यू आ रही है रैशनलाइज करके? √2 -1 नहीं आ रही. इसे रैशनलाइज करने के लिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अंडर √2 -1 से. न्यूमरेटर इज अंडर √2 -1 होल स्क्वायर अंडर रूट, और डिनोमिनेटर तुम्हारा 1. सो विल इट बी √2 -1? सो दिस वैल्यू, if you can remember, can help us. Tan 22.5 degree under √2 -1. Next type of questions are very important, are from your NCERT only. आपको दिया है, ध्यान से देखना जरा एक दो चीजें इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली. tan x is -4/3, x is lying in, x lies in second quadrant. You have to find again the values of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. Try karenge kya? Karo fada.
फॉर्मूले पिछले क्वेश्चन से ही आप लिफ्ट उठा सकते हो. साइन एक्स बाय टू का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बाय टू. कॉस एक्स बाय टू में प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स बाय टू एंड टैन में दोनों की डिविजन जब करोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स. इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज निकालने के लिए अगर आपको कॉस एक्स की वैल्यू मिल जाए तो काम हो गया मेरा. आई नीड ओनली कॉस एक्स की वैल्यू. टैन एक्स मेरे पास पड़ा है, आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट कॉस एक्स. अब जरा सोच समझ के बताना कॉस एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाय फाइव. कॉस एक्स इज माइनस थ्री बाय फाइव. बोलिए जी साइन एक्स बाय टू की वैल्यू क्या आएगी? साइन एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बाय टू. कॉस एक्स आपने निकाला है माइनस थ्री बाय फाइव. वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से और मुझे बताओ. एक चीज. दूसरी चीज, प्लस माइनस दो साइन लिखे हैं मैंने, कौन सा वाला साइन इंक्लूड करना और कौन सा नहीं करना दोनों बताने पड़ेंगे. टू अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस की माइनस प्लस पक्का प्लस टू अपॉन रूट फाइव. सबसे पहले हमने ये वैल्यू डालनी है फॉर्मूला में. फॉर्मूला है साइन एक्स बाय टू का वन माइनस ऑफ माइनस थ्री बाय फाइव डिवाइड बाय टू. प्लस माइनस दोनों साइन जा रहे हैं. एट बाय टू इंटू फाइव प्लस माइनस टू बाय अंडर रूट फाइव. नाउ सी विच साइन प्लस और माइनस. एक्स आपका लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई बाय टू से पाई. मुझे देखना है साइन एक्स बाय टू. अब एक्स बाय टू मेरा लाइन करेगा पाई बाय फोर से पाई बाय टू में. मतलब ये वाला एंगल पहले क्वाड्रेंट में, और जब एंगल पहले क्वाड्रेंट में होता है तो हमारी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव. टू अपॉन अंडर रूट फाइव. व्हाट अबाउट कॉस एक्स बाय टू? वन बाय अंडर रूट फाइव. अगेन पॉजिटिव क्योंकि एक्स बाय टू पहले क्वाड्रेंट में है. पहले में सारी रेशियोज पॉजिटिव. कॉस एक्स बाय टू इज वन अपॉन रूट फाइव. साइन एक्स बाय टू इज टू बाय रूट फाइव. व्हाट अबाउट टैन एक्स बाय टू? टू. नेक्स्ट देखो, टैन एक्स इज थ्री बाय फोर. x is lying between pi से 3 pi by 2. यही तीनों वैल्यूज निकालनी है. ध्यान से करना पड़ेगा. sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 निकालना.
हाँ जी बच्चों बोलो जल्दी से. 3/√10. 3/√10 किसकी वैल्यू बता रहे हो? sin x by 2. 3/√10 ठीक है. 1/√10. 1/√10 पक्का. ये -1/√10. -1/√10. बच्चों दो ही चीजें हैं इसमें ध्यान देने वाले इस तरह के क्वेश्चन में. सबसे पहली चीज tan x की वैल्यू दी आपने, cos की वैल्यू निकाल दी. ये 3 ये 4 ये 5 तो cos will it be 4/5 or will it be -4/5? -4/5. सबसे पहला पॉइंट जहां पर गलती होती है दैट इज आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है. 180 से 270 मींस विच क्वाड्रेंट? थर्ड. थर्ड में कॉस नेगेटिव. तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना कि जब आपके पास कोई और रेशियो दी है कॉस एक्स निकाल रहे हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या डिपेंडिंग अपॉन किस क्वाड्रेंट में है. उसके बाद जब आप फॉर्मूलाज में वैल्यूज डाल रहे हैं, हम कॉस की बात करते हैं, कॉस एक्स बाय टू ये प्लस माइनस वन प्लस ना वन माइनस फोर बाय फाइव बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/10. नाउ यू हैव टू डिसाइड विच साइन प्लस और माइनस. सेकंड कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट इज दिस. एक्स की वैल्यू लाई कर रही थी पाई से 3π/2 में, तो एक्स बाय टू लाई करेगा π/2 से 3π/4 में. 90 से 135 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस नेगेटिव. सो मेरा आंसर कॉस एक्स बाय टू का -1/√10. दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. कॉस एक्स का क्या साइन और उसके बाद एक्स बाय टू एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से साइन कॉस और टैन के साइन. क्लियर है बच्चों? लिखो करो जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना आप जरा. यू हैव टू प्रूव चलो करने से पहले मुझे एक बात बताओ, साइन 4x प्लस कॉस 4x को क्या प्रूव कर सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स? कैन यू प्रूव साइन 4x प्लस कॉस 4x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स? एंड सेकेंड रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट भी हमारे एज सच विद इन द क्वेश्चंस बहुत बार यूज होते हैं. ये दोनों रिजल्ट आपने मेरे हिसाब से टेंथ में किए होंगे ये दोनों. साइन 4x प्लस कॉस 4x को प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड साइन 6x प्लस कॉस 6x को प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर. लगाओ जरा थोड़ा सा दिमाग, डालो जोर बुद्धि पे. यहां पावर 4, रिजल्ट में स्क्वायर चाहिए. व्हाट कैन आई डू? ध्यान से देखना. कैन आई राइट इट एज क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगी मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू
ए बी और साथ में मैंने लिया माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कैंसिल हो गया. सो आई राइट दिस और आई राइट दिस, वन एंड द सेम थिंग. नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन, सो आई कैन डेफिनेटली राइट साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स एज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट. साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स एज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. अब सेम ट्रैक पे सोचते हुए यहां क्या समझ में आता है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? साइन सिक्स एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स का रिलेशन अगेन चाहिए स्क्वायर्स में ही, तो अब क्या करूं? चलो और थोड़ा आसान कर सकते हैं काम, अगर ऐसे कुछ दिक्कत लग रही है. कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस. लगाओ अब आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू. क्या है आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू की? ए माइनस बी. ए क्यू प्लस बी क्यूब इज ये आइडेंटिटीज दोनों, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ए क्यू प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए. लगाते हैं जरा, ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर का मतलब साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. पहले ये बता दो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्या है? वन. और अभी अभी हमने प्रूव किया साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स की जगह क्या है हमारे पास? वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. सो आई राइट इट एज पहली ब्रैकेट में वन, इसको लिखा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साथ में और पड़ा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. सो आई विल गेट वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. So, do remember these results. छुट्टी छुट्टी कैसे जल्दी हो जाती है? तुम्हारे में तो 20 भी नहीं हुए पूरे. चलो जाओ, हो गए छुट्टी. ओके, बाय बाय.